हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाला था चार वॉच का कि कौन सा वीडियो आप लोगों को पहले चाहिए। तो ज़्यादातर भाइयों ने कहा कि अल्ट्रा S9 का रिव्यू करो, क्योंकि ये एंड्रॉयड वॉच है और इसमें बहुत ही कमाल के फीचर्स मिलने वाले हैं। तो आज इसका डिटेल रिव्यू होने वाला है, इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ। बाकी जिन भाइयों ने दूसरी वॉच को रिकमेंड किया था कि उसका रिव्यू पहले करो, तो भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका भी वीडियो आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बाकी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि इससे एल्गोरिथम पे इफेक्ट पड़ता है और वीडियो को रीच मिल जाती है। और अभी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का ऑरेंज कलर का बॉक्स मिल जाता है, अल्ट्रा S9 वाटर ड्रॉप स्क्रीन। तो इसमें आपको नॉच वाली डिस्प्ले मिलने वाली है। बाकी यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स को हाईलाइट किया गया है और इसमें 1 GB की रैम और 16 GB की स्टोरेज होने वाली है। बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले यूज़र मैनुअल मिल जाती है, जो कि आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर आपको दो स्ट्रैप मिल जाते हैं, एक है ब्लैक और दूसरा है ऑरेंज। बाकी स्ट्रैप की क्वालिटी आपको बस ओके ओके मिलती है, उतनी अच्छी नहीं मिलती है। उसके बाद ये रही वॉच, और इसको निकालते हैं तो अंदर साइड में आपको चार्जिंग डॉक दिया गया है, जिस पर रखकर वॉच को चार्ज कर सकते हैं। और इसमें आपको पिन वाला चार्जर दिया गया है, जो कि अच्छी बात है, और ये ज़्यादा फास्ट वॉच को चार्ज करता है। चलो बातें हैं वॉच की तरफ। सबसे पहले इसके फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर फंक्शनल क्राउन दिया गया है, उसके नीचे माइक्रोफोन और उसके नीचे एक और बटन मिल जाती है। बाकी बैक में यहाँ पर सेंसर दिया गया है, जो कि चेक करेंगे कि कितना एक्यूरेट है। उसके बाद यहाँ पर कैमरा मिल जाता है, और इस सेट की बात करें तो यहाँ पर स्पीकर वेंट है और सिम ट्रे मिल जाती है इसमें। बाकी इसमें फ्रंट में भी कैमरा दिया गया है, तो इसमें डुअल कैमरे का सेटअप मिलता है। और देख सकते हैं वॉच ऑन हो गई है, और भाई इसकी जो डिस्प्ले है वहाँ पर आपको नॉच मिलता है, जो कि बहुत ही अजीब लगता है। बाकी बेजल भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहे हैं इसमें। अब इसमें स्ट्रैप लगा कर देखते हैं कि फिटिंग कैसी आती है, क्योंकि इसमें स्ट्रैप लॉक नहीं मिलता है। तो ये थोड़ा सा टाइट है, बट फिटिंग आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है और ये हिलते नहीं है। तो ये रही वॉच, और सबसे पहले इसकी बिल्ड और डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर इस तरह की डिज़ाइन मिल जाती है, जैसे कि एप्पल वॉच अल्ट्रा में मिलती है। तो डिज़ाइन बढ़िया है इसकी, बट इसका साइज़ बड़ा है, और जिन भाइयों की रिस्ट पतली है उनके लिए वॉच नहीं है। और इसमें आपको प्लास्टिक बिल्ड मिल जाती है, बट जो फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी है और दिखने में वॉच अच्छी लगती है। बाकी बॉक्स में आपको जो स्ट्रैप मिलते हैं उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलते हैं, तो अगर आप चाहें तो अलग से स्ट्रैप परचेस करके इसमें लगा सकते हैं। तो डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है इसकी। और डिस्प्ले की बात करें तो इसमें लगभग 2 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें 240x282 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन दिया गया है। तो डिस्प्ले शार्प है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है, और ध्यान से देखेंगे तो आपको पिक्सल नज़र आएंगे इसमें। बाकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है, और मैंने इसको धूप में यूज़ किया और वहाँ पर भी डिस्प्ले विजिबल थी। तो डिस्प्ले की क्वालिटी यहाँ पर मैं डिसेंट बोलना चाहूँगा, हालांकि जो बेजल है वो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, और इसमें आपको नॉच भी मिल जाती है, जो कि बहुत ही अजीब लगती है। हालांकि उसका रीज़न है, यहाँ पर आपको फ्रंट में कैमरा दिया गया है, जो कि भाई आप यूज़ कर सकते हैं और इसमें वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, जबकि दूसरी वॉच में ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। इसमें आपको बिल्ट इन 9 वॉचेस मिल जाते हैं वॉच में, और काफ़ी सारे ऐसे वॉचेस दिए गए जिस पर आप टैप करेंगे तो कलर को चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, बट इसमें आप अपना फोटो नहीं लगा सकते हैं, और इसमें कस्टम वॉचेस का फीचर नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की, तो चलते हैं इसके मेन्यू में। तो सबसे पहले यहाँ पर फ़ोन में जाएंगे तो यहाँ पर डायल पैड दिया गया है। उसके बाद कॉन्टैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आपके सारे कॉन्टैक्ट सिंक हो जाएंगे जैसे आप इसमें लॉगिन करेंगे। उसके बाद मैसेज हो गया और गैलरी, जहाँ से फ़ोटो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ब्राउज़र दिया गया है, उसके बाद कॉल हिस्ट्री, उसके बाद क्लॉक हो गया जहाँ पर आपको अलार्म हो गया, टाइमर हो गया, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। उसके बाद स्टॉपवॉच हो गया, म्यूज़िक कंट्रोल, और इसमें स्टोरेज दिया गया है, तो यहाँ पर आप म्यूज़िक को स्टोर कर सकते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पर साउंड रिकॉर्डर, और फिटनेस की बात करें तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मोड्स नहीं मिलते हैं, बस आपको पेडोमीटर का फीचर दिया गया है, जो कि ठीक ठाक है, उतना एक्यूरेट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हार्ट रेट का फीचर दिया गया है, और भाई इसमें सेंसर भी मिल जाता है, बट मैंने इसको चेक किया और जब मेरा BPM नॉर्मल था तो इसकी रीडिंग काफ़ी हद तक एक्यूरेट आई, बट जैसे ही मैंने दौड़ लगाई और मेरा BPM बढ़ गया, फिर इसने अपनी असलियत दिखा दी, और इसका जो सेंसर है वो उतना रिलायबल नहीं है, और जब मेरा BPM ज़्यादा था तो वहाँ पर रीडिंग एक्यूरेट नहीं आई इसमें। तो मान सकते हैं इसका जो सेंसर है वो फेक है, और ये वॉच फिटनेस के लिए नहीं है। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स मिल जाती है, और इसमें जाएंगे तो यहाँ पर नेटवर्क हो गया, उसके बाद कनेक्टेड डिवाइस, ऐप, बैटरी, डिस्प्ले, तो वही सारी चीज़ें मिल जाती है जो कि आपको फ़ोन में मिलती है। उसके बाद इसमें फेस लॉक का फीचर भी दिया गया है, जो कि मुझे काफ़ी सही लगा, और ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, मतलब यहाँ पर आप पिन रख सकते हैं या फिर फेस लॉक लगा सकते हैं। उसके बाद स्टाइल में जाएंगे तो इसमें आपको लगभग 8 प्रकार की मेनू स्टाइल मिल जाती है, जो कि आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद वॉलपेपर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको 2 तरह के वॉलपेपर मिल जाते हैं इसमें। बाकी इसमें आपको प्ले स्टोर का सपोर्ट दिया गया है, तो मनचाही ऐप को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद गूगल असिस्टेंट हो गया, कैलेंडर हो गया, उसके बाद गूगल, कैलकुलेटर, कैमरा,
YouTube मैंने डाउनलोड किया हुआ है, उसके बाद फाइल एक्सप्लोरर हो गया और CPU-Z और सबवे सर्फस को मैंने डाउनलोड किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको वॉच में मिल जाती है। बाकी इसका परफॉर्मेंस कैसा है, तो इसमें कॉर्टेक्स का A53 प्रोसेसर मिल जाता है और यही प्रोसेसर आपको सभी वॉच में मिलता है जो कि बजट में एंड्रॉयड वॉच है। और इसमें 1 GB की रैम और 16 GB की स्टोरेज दी गई है। तो मैंने इसको यूज़ किया और इसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, उतना बुरा नहीं है। मतलब इसके पहले मैंने X8 अल्ट्रा का रिव्यू आप लोगों को दिया था, तो उसका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और उसमें गेम भी अच्छे से चल नहीं रहे थे। बट इसमें मैंने सबवे सर्फस खेला और ये काफ़ी अच्छे से चल रहा था, हालांकि बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं था, बट इसमें आप गेम खेल सकते हैं। और YouTube की बात करें तो यहाँ पर जब स्क्रॉल करते हैं तो इस तरह का आपको एक्सपीरियंस मिलता है, इसमें उतना स्मूथ नहीं है, बट YouTube चल जाएगा और YouTube की वीडियो आप इसमें देख सकते हैं और शॉर्ट्स चला सकते हैं इसमें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो भाई फायरबोल्ट पिछले एक महीने से शांत बैठा था और एक भी वॉच लॉन्च नहीं करी इन्होंने, बट अचानक से इनकी तीन तीन वॉच एक साथ लॉन्च होने वाली है। जी हाँ, तीन तीन वॉच, और पहली है फायरबोल्ट ज्वेल, दूसरी है फायरबोल्ट जेलर और तीसरी है फायरबोल्ट डायमंड। और आज की वीडियो में इन तीनों का रिव्यू होने वाला है, सो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है। और इसका स्पीकर काफी बढ़िया है, लाउड है और क्रिस्प आवाज आती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें सिंगल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ का सपोर्ट दिया गया है और दोनों अच्छे से वर्क करते हैं, कोई भी इश्यू नहीं है। बाकी इसमें 4G सिम का सपोर्ट दिया गया है और मैंने इसमें एयरटेल यूज किया और ये अच्छे से चल रहा था। हालांकि नेटवर्क उतना स्ट्रांग नहीं है, तो जहां पर वीक सिग्नल है वहां पर आपको परेशानी हो सकती है, अदरवाइज अच्छे से चल जाता है और मैंने इसको यूज किया और डेटा वगैरह अच्छे से चलता है इसमें। एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस वॉच में कि जब कॉल करते हैं या फिर कॉल को रिसीव करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आपको फ़ोन में मिलते हैं, और ये चीज़ें किसी भी वॉच में देखने को नहीं मिली। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग हो गया, उसके बाद कीपैड, तो इससे आप IVR पे कॉल कर सकते हैं, उसके बाद म्यूट हो गया स्पीकर, ऐड कॉल और होल्ड का ऑप्शन भी दिया गया है और यहाँ से कॉल को कट कर सकते हैं। और इस वॉच के UI की बात करें तो यहाँ पर UI अच्छा मिलता है, बट थोड़ा सा स्लो है और थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स देता है। जैसे कि ऊपर से स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से कंट्रोल सेंटर दिया गया है, जैसा कि फ़ोन में मिलता है। उसके बाद नीचे से स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं आता है। लेफ्ट से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर टाइम, डेट, उसके बाद प्ले स्टोर और यहाँ से कॉल लगा सकते हैं। उसके बाद राइट से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आप मेन्यू में चले जाएंगे। डिस्प्ले में टैप करके होल्ड करेंगे तो यहाँ से वॉच फेस को चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। बाकी क्राउन को रोटेट करके भी वॉच फेस को चेंज कर सकते हैं और इसका क्राउन अच्छे से वर्क करता है। उसके बाद प्रेस करेंगे तो भी आप मेन्यू में चले जाएंगे, और नीचे वाली बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले ऑफ हो जाती है, और नीचे वाली बटन को प्रेस करके होल्ड करेंगे तो यहाँ से वॉल्यूम को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद शट डाउन, रीबूट, और यहाँ पर आपको टास्क मैनेजर दिया गया है जहाँ से आप रिसेंट ऐप को यूज़ कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह का UI दिया गया है इसमें, जो कि उतना स्मूथ नहीं है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो कि इस वॉच को यूनिक बनाती है, और वो है इसका डुअल कैमरे का सेटअप। यहाँ पर आपको बैक में भी कैमरा दिया गया है और फ्रंट में भी कैमरा दिया गया है। अब बैक कैमरे से आप दूसरे लोगों के फोटो ले सकते हैं, बट फ्रंट कैमरे से आप सेल्फी ले सकते हैं और वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, जबकि दूसरी वॉच में बस बैक कैमरा मिलता है जहाँ से वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकते। तो ये इसमें एडवांटेज मिल जाती है और मेरे हिसाब से इसी वजह से ये वॉच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट में। बाकी कैमरे की क्वालिटी वॉच के हिसाब से ठीक ठाक है, और दूसरी वॉच से कंपेयर करें तो इसका कैमरा मुझे बेटर लगा। चलो बात करते हैं उस चीज़ की जिसके लिए एंड्रॉयड वॉच बदनाम है, और वो है बैटरी। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी कम बैटरी बैकअप मिलता है और आपको 7 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप इसमें मिल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। बाकी अगर आप डेटा को ऑफ करते हैं और वाईफाई के थ्रू इसको चलाते हैं तो वहाँ पर आपको 10 घंटे का बैटरी बैकअप मिल सकता है इसमें, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और अगर आप वीडियो कॉलिंग करते हैं या फिर यूट्यूब पर वीडियोज़ देखते हैं तो फिर आपको बहुत कम बैटरी बैकअप मिल सकता है इसमें। तो सभी एंड्रॉयड वॉच में बैटरी बैकअप कमज़ोर होता है और इसमें भी आपको वैसे ही मिल जाता है। तो यही पूरी कहानी थी इस वॉच की। बाकी प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 4,799 रुपये, तो प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक है वॉच। और इसके पहले मैंने जो X8 अल्ट्रा का रिव्यू आप लोगों को दिया था, तो उससे काफ़ी बेटर वॉच है क्योंकि इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और इस पर आप गेमिंग कर सकते हैं, जबकि उस पर गेमिंग नहीं कर सकते थे और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लैग देखने को मिलता था, जो कि इसमें नहीं मिलता है। बट अगर आप लोगों को और ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए तो फिर आप लोग DW89 ले सकते हैं, वो अलग लेवल की है और इसमें आपको 2 GB की रैम मिलती है तो वो ज़्यादा स्मूथ है। बट अगर आपको डुअल कैमरे का सेटअप चाहिए तो फिर इस वॉच के लिए जा सकते हैं। और अगर आप लोगों को लेना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ले सकते हैं, और ये आप लोगों को अर्बन स्टोर इंडिया पे मिल जाएगी। बाकी बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वॉच कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय।